तेज करना देखें। उदयपुर में नए साल का जश्न हर होटलों में तैयारियां की जा रही है। इसी का नजारा उदयपुर की शेरेटन होटल में हम देख रहे हैं कि यहां पर तैयारियां शुरू हो गई है और अच्छी तरह से लजीज व्यंजन तो बनाए जा ही रहे हैं, लेकिन पूरी होटल को जगमग सजाया भी जा रहा है और जहाँ पे डीजे होगा या जहाँ पे प्रोग्राम होगा वहाँ पे भी खास तैयारियां शुरू की जा रही है और ऐतिहासिक प्रोग्राम बनाने के लिए यहाँ पे देश विदेश के डीजे जो हैं वो यहाँ पे उदयपुर में आए हैं और हर होटल में अच्छी तैयारियां की जा रही है और यहाँ पे जो गेस्ट होंगे वो भी देश विदेश से यहाँ पे आए हुए हैं और पूरी तरह से यहाँ पे जिलों की नगरी में एक तरह से देखा जाए तो टूरिस्ट बूम नजर आ रहा है। हर होटल यहाँ पे ऑलमोस्ट बुक्ड हो चुकी है और कुछ परसेंटेज में जो बाकी है वो 31 तक फुल बुक हो जाएगी और यहाँ पे आने वाले जो गेस्ट हैं चाहे देसी हो या विदेशी हो उनको कोई भी किसी भी चीज की तकलीफ ना हो, किसी भी चीज की कोई भी परेशानी नहीं हो, इस वजह से भी यहाँ का पुलिस प्रशासन और जिला एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तैयारियां कर रहा है, होटल तैयारी कर रही है और सब खास मेहमान यहाँ पे चाहे देसी हो या विदेशी हो यहाँ पे उदयपुर के लिए आए हुए हैं। 4 दिन तक यहाँ पे टूरिस्टों का जमावड़ा रहेगा।
डेजर्ट फेस्टिवल जब भी जहन में आता है तो एक ही नाम आता है और वो है जैसलमेर। जी हाँ, रेतों का शहर, जहाँ पे हम सैंड ड्यून से लेकर डेजर्ट फेस्टिवल में हर तरह की मौज मस्ती कर सकते हैं और यहाँ पे विदेशी सैलानी से लेकर होटल्स में भी काफी ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ती है। तो आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी कि इस बार नए साल को अलविदा कहने के लिए वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं।